कब रिलीज होने जा रही है आलिया भट्ट की ट्रिपल आर आलिया आखिर अपनी खूबसूरत स्किन का ख्याल रखने के लिए क्या क्या करती हैं क्या होने वाली है ट्रिपल आर की खास बातें हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज मैं सोनी का जिया दोस्तों आलिया भट्ट अपने अभिनय से सभी का दिल जीत लेती हैं दर्शक आलिया के अभिनय के साथ साथ उनकी खूबसूरती के भी दीवाने हैं उनका जो नो मेकअप लुक है यानी कि बिना मेकअप का जो लुक है वो भी काफ़ी सुंदर है कई एक्ट्रेसेस को आपने देखा होगा कि जब वो मेकअप नहीं करती तो पहचान नहीं जाती है मतलब कि लोग कहते हैं कि आप मेकअप के साथ तो इतनी सुंदर लगती हो बिना मेकअप के आपको पहचाना मुश्किल हो जाता है लेकिन आलिया के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो नेचुरल ब्यूटी है और उनका जो ये नेचुरल रुक है इसीलिए लोग उनसे पूछते रहते हैं कि भाई आखिर इस खूबसूरती का सीक्रेट क्या है तो आलिया का जो सीक्रेट है दोस्तों वो हम आपको बताने वाले हैं आपको बता दें कोई बड़े प्रोडक्ट्स महंगे ब्रांड्स वो यूज़ नहीं करती हैं उनका कहना है कि वो ज़्यादातर घरेलू नुस्खों पर बिलीव करती है आलिया भट्ट अपनी त्वचा की देखभाल के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करती है वहीं स्किन केयर के लिए वो शहद का मास्क लगाती है सिर्फ पंद्रह मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगाने के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लेती है आलिया का कहना है कि जिस तरह से हमारे शरीर को रोज़ खाने की ज़रूरत होती है वैसे ही हमारे त्वचा भी है और इसे रोज भोजन की जरूरत है ऐसे में त्वचा को सेहतमंद बनाने के लिए भोजन यानी है का को नुकसान पहुंचा देता है ऐसे में वो बगैर मेकअप के रहना ही पसंद करते दे। देखा होगा कि वो नो लो मेकअप लुक में नजर आते वही दोस्तों आपको बता दें खूबसूरती के चर्चे इतने कि उनको बड़े बड़े

जल्द ही शूटिंग सेट्स को ज्वाइन करने वाले हैं वहीं इसमें एक सॉन्ग भी होने वाला है जिसका शूट वो करने वाले हैं और इसमें अजय देवगन के अपोजिट श्रेया शरण नजर आएंगी जो कि ऑलरेडी दृश्य में उनके साथ नजर आ चुकी है कहानी बहुत सॉलिड है दोस्तों दो क्रांतिकारियों की कहानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमा राम भीम इन दोनों की कहानी बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी और इन दोनों को मार्गदर्शित करेंगे अजय देवगन तो दोस्तों आपको कितना वेट हो रहा है इस फिल्म का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को